नमस्कार दोस्तों, स्वागत है शोमुस बाली जी के और एक करियर काउंसलिंग वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले एमएससी जूलॉजी करियर के बारे में, जूलॉजी इन एमएससी, राइट। सो एमएससी इन जूलॉजी, जूलॉजी में अगर आपको मास्टर्स करना है इंडिया में, ग्रेजुएशन ऑलरेडी कर चुके हो, तो इस वीडियो आपके लिए, क्योंकि यहाँ पे हम बात करेंगे एमएससी इन जूलॉजी, उसका कोर्स डिटेल्स, मतलब कितने दिन का प्रोग्राम रहता है, क्या एलिजिबिलिटी है, कैसे आप ज्वाइन कर सकते हो, करियर अपॉर्चुनिटीज आफ्टर जूलॉजी एमएससी, पर्टिकुलरली इस फील्ड में रहकर अगर आप करियर बनाना चाहते हो तो आपके सामने कौन कौन से ऑप्शंस हैं, कितना सैलरी आपको मिलेगा, सब कुछ इस वीडियो में आपको बताएंगे। देखो, जूलॉजी ड्रीम होता है लोगों के लिए कि हम एक एनिमल वर्ल्ड है। जब हम छोटे थे तब हम नेशनल ज्योग्राफिक देखते थे, डिस्कवरी चैनल देखते थे, अच्छा लगता था कि ऐसा कुछ, ऐसा भी चीज़ें होता है, और सिर्फ हम ही नहीं है जो इस धरती पे है, सिर्फ हम ही नहीं है जो इस इकोसिस्टम में, हमारे अलावा भी बहुत सारे एनिमल्स इस इकोसिस्टम में, सब के बारे में जानकारी, उसका अलग अलग क्लासिफिकेशन है, अलग अलग टाइप्स हैं, अलग अलग दिखने में है, अलग अलग बिहेवियर है, सब कुछ स्टडी करना है, वो जूलॉजी की पार्ट है। अब जूलॉजी ग्रेजुएशन तो आपने कर लिया, अब एमएससी मास्टर्स क्यों करना है? जूलॉजी मास्टर्स तभी करना चाहिए जब आप जूलॉजी फील्ड में रह के आइदर एकेडमिक लाइन पे रहना चाहते हो, जहाँ पे आप रिसर्च या फिर आप रिसर्च करना चाहते हो। एकेडमिक लाइन मतलब आप टीचिंग में जाना चाहते हो, कॉलेज में पढ़ाना चाहते हो, यूनिवर्सिटीज में पढ़ाना चाहते हो, या फिर आप रिसर्च करना चाहते हो अलग अलग ऑर्गेनिज्म को लेकर, उनकी बॉडी में चलते हुए सारे सिस्टम्स को लेकर, सेल सिग्नलिंग को लेकर, बहुत सारे डिटेल्स में। तो इसीलिए तब आप एमएससी करें। अगर आप पर्टिकुलरली कोई जॉब ज्वाइन करना चाहते हो तो उसके लिए बीएससी जूलॉजी के बाद आपको कोई ऐसा कोर्स करना चाहिए जिसमें जॉब पाने में आसानी हो, क्योंकि जूलॉजी पर्टिकुलर फील्ड में अगर आप देखें इंडिया में उतना जॉब नहीं होगा, बहुत ही कम वैकेंसी, बहुत ज़्यादा क्राउड मिलेगा। इसलिए एमएससी उन लोगों के लिए सही रहेगा जो एकेडमिक सोच रहे हैं या फिर पीएचडी सोच रहे हैं, ठीक है। तो अभी स्टार्ट कर देते हैं आपके लिए जूलॉजी एमएससी में, मतलब मास्टर्स इन जूलॉजी, इस चीज़ का डिटेल्स, मास्टर्स इन जूलॉजी का एस्पेक्ट एंड डिस्क्रिप्शन, जहाँ पे आता है कोर्स नेम और जूलॉजी है। ड्यूरेशन 2 साल का होता है मास्टर्स, कोई भी सब्जेक्ट की मास्टर्स ले लो, अभी तक 2023 यहाँ पे ये सब्जेक्ट जो है ये 2 साल तक पढ़ाया जाता है, 4 सेमेस्टर्स होता है इसमें। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? बैचलर्स डिग्री इन जूलॉजी, यहाँ पे एलिजिबिलिटी यही रहेगा, बैचलर्स डिग्री इन जूलॉजी बायोलॉजी या फिर बैचलर्स डिग्री इन लाइफ साइंसेज या फिर रिलेटेड फील्ड। यहाँ पे आपको बैचलर्स डिग्री जूलॉजी में ये प्रेफरेबल है, क्योंकि ये बैचलर्स इन जूलॉजी फिर मास्टर्स इन जूलॉजी करके क्या होता है ना, एक्सट्रीम बनता है, उससे बेहतर होता है। और बहुत सी जगह पे ऐसे सर्कुलर आता है कि अब परमानेंट जॉब करना है, यूनिवर्सिटी में पढ़ाना है एज ए लेक्चरर, तो वहाँ पे आपको ग्रेजुएशन मास्टर्स में सेम सब्जेक्ट में आपको करना है, तो उसमें भी ये मदद होता है। अब अदर देन दैट यू कैन गो फ्रॉम बीएससी इन लाइफ साइंस, उससे आ सकते हो, बीएससी इन माइक्रोबायोलॉजी से आ सकते हो, बायोटेक्नोलॉजी से आ सकते हो, बॉटनी से आ सकते हो, जूलॉजी से भी आ सकते हो, तो ऑब्वियसली एंड अलग अलग कोई भी रिलेटेड फील्ड है वहाँ से आप आ सकते हो, एमएससी कर सकते हो। बट जनरली इन मेनी यूनिवर्सिटीज आपको ग्रेजुएशन में 50% to 55% मार्क्स चाहिए होता है, विदाउट दैट वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में फिट नहीं बैठता है ताकि आप एमएससी में अप्लाई करो। फिर एडमिशन प्रोसेस आता है, हर एक यूनिवर्सिटी देखो, हर एक कॉलेज देखो, जो जूलॉजी में एमएससी करने में आप जाओगे तो आपको एंट्रेंस देना पड़ेगा। तो क्यूएट पीजी एक एग्जाम्पल है, जो कि सीयूईटी पीजी बोल के आते हैं, वहाँ पे आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में मास्टर्स करने के लिए अपेयर हो सकते हो। वैसे ही अलग अलग इंस्टीट्यूट्स वो अलग अलग एंट्रेंस एग्जामिनेशन लेते रहते हैं, कोई भी अभी इंस्टीट्यूट नहीं है जो अलग से एंट्रेंस एग्जामिनेशन नहीं लेता। तो आपका ग्रेजुएशन का मार्क्स इंपॉर्टेंट तो है, क्योंकि वो मेरिट लिस्ट के साथ टैग हो जाएगा, मगर सिर्फ ग्रेजुएशन के मार्क्स से आपको एमएससी में एंट्रेंस नहीं मिलेगा। आपको एमएससी के एंट्रेंस के लिए उस यूनिवर्सिटी या फिर उस कॉलेज में अलग से एंट्रेंस देना पड़ेगा, या तो उस एंट्रेंस के मार्क्स डायरेक्टली काउंट होगा, या तो उस एंट्रेंस के मार्क्स के साथ बीएससी के मार्क्स को ऐड करके मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा। उसके बाद आता है कोर्स वर्क। जूलॉजी में भी कोर जो सब्जेक्ट है उसमें आता है आपका एनिमल फिजियोलॉजी, जेनेटिक्स, इकोलॉजी, इवोल्यूशन एंड बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म, जो कि आप देखेंगे कि CSIR UGC नेट के सिलेबस के साथ बहुत ज़्यादा सिमिलर है। इसलिए बहुत से लोगों का कहना होता है कि सर अगर जूलॉजी से कोई आता है क्या वो CSIR नेट पाने में आसानी होगी? मैं ये कहता हूँ ऐसा कोई गारंटी नहीं है, मगर हाँ जूलॉजी जो पढ़ के आता है वो बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ के आते हैं, तो एक चांसेस रहता है कि वो सारे टॉपिक्स वो उसको पता है कुछ ना कुछ, इकोलॉजी के बारे में कुछ, डेवलपमेंट बायोलॉजी के बारे में कुछ, जेनेटिक्स के बारे में कुछ, एनिमल बिहेवियर के बारे में। जो लोग बायोटेक्नोलॉजी से आ रहा है
वो एनिमल बिहेवियर के बारे में पता नहीं है, उन्हें इकोलॉजी के बारे में डिटेल में पता नहीं होता है, उनमें डेवलपमेंटल बायोलॉजी के बारे में पता नहीं होता है। इसलिए बहुत सारे चीज़ ऑलरेडी सीखा हुआ होता है जूलॉजी स्टूडेंट्स को, या फिर ग्रेजुएशन में कोई अगर लाइफ साइंस में कर रहा है उस स्टूडेंट को, तो उनको आसानी ज़रूर होता है इस चीज़ में। तो स्पेशल और इलेक्टिव कोर्स रहता है, जैसे कि वाइल्ड लाइफ बायोलॉजी हो गया, मरीन बायोलॉजी हो गया, एंटोमोलॉजी हो गया। ज़्यादा स्टूडेंट्स अभी एंटोमोलॉजी लेते हैं क्योंकि उसको पढ़ना आसान रहता है, अदरवाइज यू कैन गो विद मरीन बायोलॉजी। इंडिया में मरीन बायोलॉजी का डिमांड उतना नहीं है, बाहर तो बहुत ज़्यादा है मरीन बायोलॉजी और वाइल्ड लाइफ बायोलॉजी का डिमांड है। तो अगर आप वाइल्ड लाइफ मतलब ग्राउंड लेवल पर वो चीज़ सोचते हो कि मुझे काम करना है ग्राउंड लेवल पर जाके, तो वाइल्ड लाइफ बायोलॉजी लेके इलेक्टिव सब्जेक्ट में आप ले सकते हो। फिर आते हैं रिसर्च प्रोजेक्ट, ये एक मैंडेटरी है एमएससी में, जहाँ पे आप 2 महीने का रिसर्च वर्क करते हो मिनिमम, कई जगह 6 महीने का भी करते हो, ये आपको करना पड़ता है इनहैंड स्किल सीखने के लिए और एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन जानने के लिए। फिर आता है करियर अपॉर्चुनिटी, जूलॉजी एमएससी करने के बाद इस स्ट्रीम में रहकर आप क्या कर सकते हो, आप वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट बन सकते हो, आप कंजर्वेशन बायोलॉजिस्ट बन सकते हो, एनवायरमेंटल कंसल्टेंट बन सकते हो, जू क्यूरेटर, साइंस राइटर, बायोटेक रिसर्च साइंटिस्ट, एजुकेटर एंड अदर्स। तो यहाँ पे हर एक जो पोजीशन है उसके अलग अलग रिक्वायरमेंट्स हैं, उसके बारे में बाद में बात करते हैं। इसके बाद आता है फर्दर एजुकेशन, जूलॉजी में एमएससी तो कर लिया, मैंने आपको बताया कि एमएससी क्यों कर रहे हो, ताकि आपके दिमाग में पीएचडी, तो उसके बाद आता है पीएचडी डॉक्टरल प्रोग्राम इन जूलॉजी या फिर इकोलॉजी या फिर रिलेटेड फील्ड में आप कर सकते हो। क्योंकि पीएचडी में ना ऐसा कोई बात नहीं है, आपको पीएचडी जूलॉजी में भी ऑफर किया जा सकता है, इवन आफ्टर पीएचडी एमएससी जूलॉजी के बाद पीएचडी इन लाइफ साइंस बोल के भी ऑफर किया जा सकता है, पीएचडी इन इकोलॉजी बोल के भी ऑफर किया जा सकता है। सो दैट वैरीज, इट डजंट मैटर, बिकॉज पीएचडी में ना कॉन्क्रीट आप कंसेंट्रेटेड नॉलेज की तरफ बढ़ रहे हो, ब्रॉड फील्ड से बहुत ही शॉर्ट नैरो मगर डेप्थ फील्ड में ट्रांसफर हो रहा है आपका। उसके बाद आता है सैलरी, एवरेज सैलरी आफ्टर डूइंग मास्टर्स इन जूलॉजी इन इंडिया विल बी 2 लाख to 3 and 3.5 लाख रुपीज़, यहाँ पे 3 से 5 लाख लिखा है मगर वो नहीं है, प्रैक्टिकली बताया 2 से 2.5 लाख या 3 लाख रुपए होता है एनुअली इस फील्ड से जाके अगर कोई जॉब करे। यहाँ पे एक कैच है, जूलॉजी लेके कोई पढ़ रहा है मतलब उस बंदे को ये सोचना चाहिए कि जूलॉजी के एग्जैक्ट जो फील्ड है उसको लेके जॉब कितना आपको मिलेगा, क्योंकि जूलॉजी का एग्जैक्ट जो फील्ड है वो है जूलॉजिस्ट, वो है जू क्यूरेटर, वो म्यूजियम में रहने वाले म्यूजियम क्यूरेटर, तो ये सारे जो जॉब है ये कुछ कुछ गवर्नमेंट जॉब है, इस गवर्नमेंट जॉब तो उतना आसानी से मिलेगा नहीं, बहुत ज़्यादा कंपटीशन आ जाएगा। और जब आप प्राइवेट सेक्टर पे जाएंगे, प्रोडक्शन हाउस पे जाए, प्रोडक्शन यूनिट पे जाएंगे जो कि बायोटेक फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी हो जाए, वहाँ पे आपको डिमांड होगा फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी आता है, आप कहोगे नहीं वो तो हमने सीखा नहीं, आपको बायोस्टैटिस्टिक्स आता है नहीं, बायोइन्फॉर्मेटिक्स आता है कम, तो इस हिसाब से ना एक प्रॉब्लम हो जाता है। इसलिए जूलॉजी के लिए पर्टिकुलरली ये बेहतर होता है कि जूलॉजी के लिए आप एग्जैक्टली उस फील्ड में अगर जॉब करना चाहते तो मेरे हिसाब से बेहतर है कि एकेडमिक्स में रहे कोई, या फिर वो कोई क्या करे बेसिकली वो रिसर्च वर्क में चला जाए, अदरवाइज अगर वो इस स्ट्रीम में रह के कोई इंडस्ट्रियल जॉब करना चाहता है तो इंडस्ट्रियल जॉब करने के लिए उस बंदे को अलग से कोई इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग लेना पड़ता है, इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी हो गया, फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी का हो गया, वो चाहिए होता है। उसके बाद आता है करियर अपॉर्चुनिटी एंड डिस्क्रिप्शन, करियर अपॉर्चुनिटी की बात कर रहे हैं, वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट हो सकते हो, जहाँ पे आप जो वाइल्ड वहाँ पे जो एनिमल्स हैं उस एनिमल्स की बिहेवियर को स्टडी करेंगे, अब बिहेवियर वाइल्ड एनिमल का होता है, अभी तो बिहेवियर डोमेस्टिक एनिमल का भी स्टडी किया जा रहा है, तो सारी चीज़ को आप स्टडी करेंगे, उसको कैसे एक साथ सबको रखा जाता है, क्योंकि जो बायोस्फीयर रिजर्व्स है या फिर सैंक्चुअरी है वहाँ पे सब कुछ एक साथ रखा जाता है, तो कैसे उसको रखा जाएगा ताकि वो फाइट ना करे, किस हिसाब से डिजाइनिंग किया जाएगा, सारी चीज़ आप करेंगे। उसके बाद आता है कंजर्वेशन बायोलॉजिस्ट, जो पर्टिकुलरली ये चीज़ को देखते हैं कि कंजर्वेशन मतलब एक एनिमल को प्रोटेक्ट करना, जैसे कि रॉयल बेंगल टाइगर बहुत ही रेयर स्पीसीज हो गया अभी, और उसको प्रोटेक्ट करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए उसको सिर्फ खुद को प्रोटेक्ट नहीं करना है, उसके सराउंडिंग एनवायरमेंट को भी प्रोटेक्ट करना है, तो या फिर उसको उठा के ले जाके आपको प्रोटेक्ट करना है किसी ऐसे जगह पे जो उसको कैप्टिव ब्रीडिंग बोलते हैं, जहाँ पे हम कैप्टिव ब्रीडिंग फैसिलिटी में लाके उसको ब्रीड करवाते हैं ताकि उसका जो नंबर है वो बढ़ पाए, फिर उसको उसका जो कब होगा वो कैप्टिव ब्रीडिंग में ही बड़ा होगा, फिर उसके बाद फिर से उसको हम जाके वाइल्ड में रीइंट्रोड्यूस कर देंगे, ये सारे चीज़
इसके लिए जूलॉजिस्ट चाहिए, कंजर्वेशन स्पेशलिस्ट चाहिए, जो बायो स्टैटिस्टिक्स को यूटिलाइज करके, सॉफ्टवेयर के जरिए भी काम होता है, उसको यूटिलाइज करके वो पर्टिकुलरली बायोडाइवर्सिटी को कैलकुलेट करेगा, और बायोडाइवर्सिटी को कैलकुलेट करके बायोडाइवर्सिटी किसी जगह में मेंटेन रखने का कोशिश करेगा और या फिर उसको बढ़ाने की कोशिश करेंगे। उसके बाद आते हैं एनवायरमेंटल कंसल्टेंट। ये है ऑर्गेनाइजेशन जो प्राइवेट या फिर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को एनवायरमेंटल रेगुलेशंस को समझने में मदद करते हैं, जहाँ पे एनवायरमेंटल लेजिस्लेशन एक्ट्स है उसको सब कोई हर कोई पालन कर रहा है यानी उसको मदद करने में मदद करते हैं, राइट, उसको जानने में। जू क्यूरेटर आता है जो जू के अंदर जो एनिमल्स होते हैं उनको ठीक ठाक मेंटेन करना, उनको ठीक ठाक केयर करना, ये सब करते हैं। और एक्वेरियम्स जो कि सिर्फ जू ही नहीं होता है, जू में तो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, एक्वेरियम में मरीन एनिमल्स होते हैं, उनको एक्वेरियम में मरीन एनिमल्स को ठीक ठाक से मेंटेन करना, ये भी उनका काम होता है। क्योंकि जू और एक्वेरियम यहाँ पे ना सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिज्म ही नहीं रहता है, यहाँ पे बाहर से लोग आते हैं देखने में, तो उनके साथ इस ऑर्गेनिज्म के एक बॉन्डिंग, मतलब वो इसको पहचाने, इसलिए एजुकेशनल पर्पज़ जू और एक्वेरियम बनता है। उसको ठीक ठाक तरीके से मेंटेन करना होता है, एनिमल बिहेवियर को समझना पड़ता है ताकि लोगों को ठीक ठाक से वो समझाया जाए, एडुकेशन पर्पस यूज किया जाए। इसके अलावा जो आता है साइंस राइटर, इसके अलावा आता है एडुकेटर, ये चीज साइंस राइटर और एडुकेटर। साइंस राइटर और एडुकेटर का जो जॉब है वो अभी बहुत हाई डिमांड जॉब है। राइटर का जॉब हालांकि गिर जाएगा क्योंकि चैट जीपीटी की तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ चुका है जो कि लिख दे सकता है चीज़ों को, मगर फिर भी एडुकेटर का जॉब वही जगह पर रहेगा कि एडुकेशन मैनुअली होना चाहिए, एनिमेटेड एडुकेशन ज़्यादा देर तक अच्छा नहीं लगता, एक इंसान को उस हिसाब से उस स्पीच को फॉलो करके समझाना पड़ता है, सो दैट इज स्टिल द वे टू गो। तो एडुकेटर के तौर पे अगर आप ज्वाइन करें तो आपको अच्छा खासा 6 लाख 8 लाख एनुअली सैलरी मिल सकता है अगर आप अच्छा एडुकेटर हो तो। अदर देन दैट आप बायोटेक रिसर्च असिस्टेंट बन सकते हो, बायोटेक रिसर्च एसोसिएट बन सकते हो, उसके लिए भी एमएससी जूलॉजी के बाद आप वो चीज़ कर सकते हो। गवर्नमेंट फंडेड जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उस प्रोजेक्ट्स को करने के लिए फंडिंग मिलता है बहुत से इंस्टीट्यूट्स हेड को, वो इंस्टीट्यूट हेड उसी फंडिंग को देकर लोगों को रखते हैं ताकि उस काम में वो मदद करें। और बायोटेक रिसर्च साइंटिस्ट का जो रोल एग्जैक्टली, उसके लिए एमएससी के बाद ज़्यादातर कमी होता है, उसके लिए पीएचडी चाहिए होता है बहुत दफ़ा, इसलिए मैं इस चीज़ को यहाँ पर नहीं रखूँगा, मैं रखूँगा यहाँ पर बायोटेक रिसर्च असिस्टेंट और प्रोजेक्ट असिस्टेंट या फिर प्रोजेक्ट एसोसिएट, जहाँ पे कोई पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को आप असिस्ट करेंगे कोई प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर को। ये होता है एमएससी इन जूलॉजी इन इंडिया। जूलॉजी लेके अगर इंडिया में एमएससी करना है उसके बाद उसी स्ट्रीम में लेके जॉब करना है तो ये प्रोफाइल है। पर्टिकुलरली उस प्रोफाइल की जो जॉब है बहुत ही कड़की है, उसमें सिंपल सी बात है इसमें, इसलिए अगर आपको इंडस्ट्री में शिफ्ट करना है जूलॉजी पढ़ के तो बेहतर है बीएससी के बाद ही शिफ्ट कर जाओ, जॉब ढूंढ लो। अगर आपको एडुकेशन फील्ड में रहना है तो बेहतर ये होगा बीएससी जूलॉजी के बाद एमएससी जूलॉजी करो, पीएचडी करो, नेट दो, पीएचडी करो, पीएचडी के साथ साथ उसके बाद आप रिसर्च वर्क भी कर सकते हो या फिर एज अ लेक्चरर आप कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ा भी सकते हो। दैट्स ऑल अबाउट एमएससी इन जूलॉजी करियर इन इंडिया। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, कलीग के साथ, सब्सक्राइब करना इस चैनल को ताकि ऐसे वीडियो आपको मिले। थैंक यू, बाय।